सुना दो ये अब यहाँ पे बैक डोर में ये हम ये बना रहे हैं, देखिए पूरे बहुत लोग आए हैं, हमें देखिए सबके लिए यहाँ पे एक एक करके डाल रहे हैं। ये हम लाए हैं यहाँ पे देखिए ब्रेड पकौड़ा, और आ रहा है यहाँ पे सॉल्ट पीनट्स, नेहाल जी डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। और अभी कॉफी तैयार होने वाली है, फिर इसमें क्या है उसमें ब्रेड को बहुत गर्म हो रहा है। और ये देखिए कॉफी क्या घोट घोट के क्या कॉफी बनाई गई, देखिए ये देखिए मजा आ जाएगा आपको अभी खाने में, हम आपको स्वाद भी बताएंगे कैसा हो रहा है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, अभी इसमें चटनी एक उसमें ले लेंगे ना, एक छोले लगवा दें, है सर छोले लगवा दें, छोले भी खाते हैं, बताइए छोले इसी में डाले जाएंगे ना, अलग से खोलेंगे। गाइस ये मिठाई देखें, मिठाई का पहले मिठाई से शुरुआत करेंगे, ऐसे से करिए, ये इतनी बढ़िया बर्फी है ना, बिल्कुल ताजी बर्फी है पहाड़ की, उसके खोए की केक तैयार हो गए हैं, बांटना स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे मदद मदद तुमने लिया, अरे तुमने क्यों नहीं लिया, लो लो नो, अरे तुम्हें चाहिए हाँ, ब्रेड पकौड़ा जाएगा अभी, और साथ में जाएगी ये चटनी, जबरदस्त चटनी, और जीवन रूढ़ा चम्मच, जीवन चम्मच लेके कितने खत्म तो नहीं हो गए, मैं लेके आऊँ दौड़ के, बता नहीं खत्म हुए ना, नहीं, अरे ठीक है चम्मच चटनी इसी में डाल देते हैं यार चटनी, अरे लेकिन वो प्रॉब्लम होती है ना, लोग खाने का अपना अपना तरीका होता है, तो साइड पे डाल देते हैं ब्रेड पकौड़ा और कॉफी, इसमें डालो, अरे मैं पकड़ के ले जाता हूँ ना, एक मैं पकड़ के, एक एक डालेंगे और डालते हैं ब्रेड पकौड़े ना, और डाल दो ब्रेड पकौड़ा इसके ऊपर रख देते ना, एक एक करके दे देंगे, कॉफी खा ले यार, कॉफी अभी नहीं, अभी तो कोल्ड ड्रिंक पिया उन्होंने, खाने का डाइजेस्ट करने के लिए, ये चटनी देने का स्टाइल ना, जितना ज्यादा चाहिए आप उतना वो उतना वीडियो बनेगा, और उतना चटनी खाते रहेंगे, हाँ हाँ, ये डॉक्टर साहब की चटनी, ये डॉक्टर साहब की चटनी, ये डॉक्टर साहब चटनी खा रहे हैं, हैं खड़े जी, ये लेट आए हैं थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आई आई, अरे बच्चे भी आए, अरे आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे आंटी भी आ गई, आई 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 बैठी चेयर का जुगाड़ करता हूँ, लीजिए केक, लीजिए केक लीजिए, ब्रेड पकौड़ा भी आ गया है, एक और केक है, एक और केक, अरे कोई बात नहीं, खिलाने में जो मजा है वो, नहीं नहीं एक बच्चा बचा है, ये लीजिए केक 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 केक, लो कॉफी हो गई है तैयार, पूरे 4 घंटे लगे इसको घोलने में, 4 घंटे तब जाके कॉफी बनी, बहुत मेहनत, हाँ ज़्यादा भाई। सबीना सर आपका नाम अमिताभ बच्चन ही है सर, सबसे ज्यादा नाम पिक्चरों में अमिताभ बच्चन का नाम विजय हुआ करता था, अमिताभ बच्चन अपने आप में टैलेंटेड आदमी ना, गाना भी गाता ही है वो सर, एक पिक्चर में तो उसका नाम विजय सिंह चौहानी था, जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिताए, पर ये जो जाने वाला है वो आने वाला पल, जाने वाला है एक बार वक्त से और लम्हा की रात भी एक बार वक्त से, लम्हा की रात भी उस दास्ता मिली, लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हिसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है हो, आने वाला पल जाने वाला है, थैंक यू सर, आप इसकी टक्कर का आप सुना दो सर, इसका तो और बनता है।
किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण धराधन विलास वंदुंत सत नमोद मान मान से कृपा कटाक्षरवरि विरुद्ध तुंडरापति क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मे तो वस्तु लता भुजंग पिंगल स्फुरभयामि प्रभा कदम्ब कुमकुम त्रिपोपलित दिगवधूमुखे मदान्ध सिंदूर स्फुरत विस्तरीय मनो विनोद मद्भुत निवर्तूतवतरी सहस्रलोचन प्रभुत शेषलेख शेखर प्रसून तूलिधोरणिदूसरांगीतभूभुजंगराजमालयताचकोर बंधु शेखर अरे एक तो हो जाना चाहिए हैं। अरे अब एक तो हो जाना चाहिए कुछ दो शब्द सुना दो आपका अग्रिम जो जीवन है वो उज्जवलमय हो निरोगी हो बस यही हम कामना करते हैं। और एक श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो आपके अंदर वो विचार हैं वो भाव हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात वसुधा ही एक कुटुम्ब की भांति है। तो वही भावना आपने अभी दर्शाया भी है अपने बात भी की है कि मैं आध्यात्म के मार्ग पर चलूँ तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो आपका भविष्य उज्जवल हो आप निरोगी काय के साथ आगे की जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब तो रहेंगे अंतिम सर अभी हम लोग तो मतलब इससे ना निकट कोई हो ही नहीं सकता जितने निकट हम लोग रहे और बड़ा संयोग अच्छा था कि कुछ समय हम लोगों ने ऐसे माहौल में बिताए हैं जब पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से दूर भागे हुए थे कोरोना काल में तब भी हम लोग यहाँ साथ रहे हैं और कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि भगवान ने कहीं से बीमारी की वजह से किसी को परेशान किया हो। हम लोग भी सुरक्षित रहे आप लोग भी सुरक्षित रहे भगवान से यही प्रार्थना है कि सेवानिवृत्ति तो एक क्षणिक कार्यक्रम है अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है अब जीवन असली शुरू होने वाला है। अब जीवन जब आपके पास जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी काम कम हो जाएंगे और जीवन के असली काम अब शुरू होंगे तो यही निवेदन है भगवान से निवेदन है कि अब इस पारी को आप और मजबूती से और अच्छे ढंग से खेलें और कुछ कमी अगर जीवन में रह गई हो तो इस लोक में तो बहुत सारी कमियां हर इंसान के पास रह जाती हैं अब उस लोक की भी चिंता हम लोग करें हम लोग हमेशा भी व्यक्तिगत रूप से समय अब इसी तरह का आ रहा है तो निश्चित रूप से आप पहले से ही मुझे अंदाज़ा है कि आप पहले से ही कुछ आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं तो वो आपकी सक्रियता बनी रहे कभी हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत ना पड़े जीवन में यही शुभकामना दे सकता हूँ डॉक्टरों से दूर रहें और स्वस्थ रहें। एक चार लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल कभी तो बहुत याद था आजकल नहीं याद है जब मैं गाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे क्या सुना रहा हूँ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला
मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, उसी मधुशाला की ओर मधुशाला। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आप आपकी वाली आ गए, मैं अपनी पसंद का ही सुनाऊंगा। जी जी फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, जी हाँ कई कई बार, हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना भी जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए, पानी ने टोका आंधी ने रोका दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं घर आकर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। आप जैसे कि जो मेरा प्रोफेशन है गाने का नहीं है बोलने का, जो आपने अपने प्रोफेशन में सब मेरा जो प्रोफेशन है वो बोलने का है, मैं बोलने की खाता हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, और सिंहासन हमारे दिल में रहेंगे और हम निवेदन ये करेंगे कभी हम नीचे को जा रहे होंगे और चांद सर हमको देखेंगे, बस जोर से हम एक दूसरे से नमस्ते गए, यही हमारी दिल्ली तमन्ना है सब लोगों से, यही है हम लोगों का धन्यवाद है कि जब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे से हम लोग कहते हैं एक नमस्ते बोले, हमारा हुआ मिले आपको मेरे हृदय के द्वार जो है, और थैंक यू सर आपने हमारा क्या कहते हैं निमंत्रण स्वीकार किया, और सभी आप लोगों का थैंक यू, आज तो हम लोग सरप्राइज पे सरप्राइज उसके बाद सॉन्ग गाओ गाना गाओ, क्या कहते हैं सर को गिफ्ट ले जाए सबकी, अरे अच्छा जरा बिग फैन हाथ दे सर, बिग फैन बिग फैन।